आर इक्विवेलेंट था R1 प्लस R2 सीरीज में, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था, 1/RP था, R1 प्लस R2 था। सेकेंड हमने देखा था यहाँ पे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन था इक्विवेलेंट, दैट इज के इन सीरीज, L1 प्लस L2 बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अच्छा यहाँ पे ना इसको पॉइंट नंबर 2 कर दो, इसको पॉइंट नंबर 3 कर दो, इसको पॉइंट नंबर 1 लिखो। हीट करंट इज सेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, डेल्टा टी से, और यहाँ पे था केपी के लिए एक्सप्रेशन था, K1 A1 ठीक है। चलो तो अब इस पे देखो सवाल किस तरह के हमारे आएंगे, ये हमारा हमने कल पढ़ के रखा था पूरा, ठीक है। इस पे हमारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये क्वेश्चंस आएंगे सीरीज के आएंगे, पैरेलल के आएंगे, ठीक है। और हमको इसको सॉल्व करना होगा, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखेंगे। अभी देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, बोले कि दो रॉड है, यहाँ पर इस तरह से इसका थर्मल कंडक्टिविटी के है, इसका है 2K, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है 3L, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर रखा गया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दोनों सीरीज में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, फाइंड के इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद फाइंड टी, यहां पे टी क्या, इस सरफेस का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, ठीक है। ये टेम्परेचर, ठीक, ये तीन चीज हमको निकालनी है। क्या निकाल सकते हो तुम लोग फटाफट जल्दी से, कुछ करना नहीं है, खाली फॉर्मूला देखो जरा सा, केएस देखो, L2L K2K, ठीक है, फुट करके जल्दी से निकाल लो आंसर, के और एल के टर्म पे निकालो। और एक जनरल हमने फॉर्मूला सीखा था रेजिस्टेंस का ना, आर इक्वल्स टू एल बाय के ए, ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक। फटाफट जल्दी से निकालो, बाकी लोग कहाँ पे यार, सबको अपना अपना ट्राई करो, केएस निकालना, यहां से फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, एल बाय सही है, वेरी गुड।
प्लस एल बाय थ्री एल बाय टू, ये हो जाएगा टू के टू फाइव। ये हम देखेंगे आंसर आ जाएगा एट के बाय फाइव। क्लियर? अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट, हाँ एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल है, दिख रहा है? देखो एरिया थोड़ी एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पे, फिगर से देख के आ रहा, समझ में आ रहा है कि इक्वल है। अगर एरिया इक्वल ही ना होता तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता। सेकंड, फाइंड आर एस, आर इक्विवेलेंट, ये एल टोटल लेंथ कितनी यहाँ पे, फोर एल है, के इक्विवेलेंट कितना, एट के पे फाइव है, इंटू एरिया हमको दिया गया, इसके लिए मान लो एरिया हमें दिया जाएगा ए, ठीक है, एरिया ए दिया गया, लेट्स, तो ये हो जाएगा फाइव एल बाय टू के ए, दिस इज द रेजिस्टेंस है। आर इक्विवेलेंट यहां पे ए भी आएगा, फाइव एल बाय टू के ए, तो ये देखो ना रेजिस्टेंस में क्या के और ए भी तो आता है ना, ये एल बाय ए भी पुट कर देना बस। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को पूछो, पार्ट टू भी हो गया सॉल्व। थर्ड पार्ट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, ये टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर निकालने के लिए कंसेप्ट क्या यूज करते हैं कि जो हीट का फ्लो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो कैसा होता है हमेशा सीरीज में कैसा होता है वो सेम होता है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ये हमारा सेकेंड का आंसर है। अभी थर्ड को कैसे निकाले, थर्ड के लिए मैं थोड़ा इन चेंज करता हूं। ये फर्स्ट सबको नोट कर लो, पहले फर्स्ट और सेकंड नोट कर लो, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, सबको नोट कर दो। देखो तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, एक बार थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए, थर्ड पार्ट, थर्ड का आंसर 50 देख लेते हम लोग। देखो तो अगर थर्ड की बात की जाना तो हीट का फ्लो कैसा होगा, सेम होगा। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, 100 माइनस टी बाय रेजिस्टेंस। ये हीट करंट का फॉर्मूला क्या था, एच था डेल्टा टी बाय आर, 100 माइनस टी अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाय के, ये कितना के, तो के ही है, इक्वल्स टू यहां से कितना हीट फ्लो करेगा, ये हो जाएगा टी माइनस जीरो बाय एल, कितना 3L है बाय के, के कितना 2K है, यहाँ पे एरिया A होगा। क्लियर? अब देखो तो क्या हो जाएगा, K A ऊपर गया, टू के ए मर गया,
क्या बचा 300 50 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इधर के 50 300 बाय 50 कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं आया सबको, बोलो हाँ या ना। इसको नोट कर दो, ये ऐसे सवाल आएंगे सीरीज वाले, ठीक है। तो तुमको ये फॉर्मेट याद रखना है कि कैसे के निकालते हैं, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये नोट कर, पहले नोट कर दो लिस्ट इसको अच्छे से। एक काम करो, ये वाला सब खुद से करो तो आप, रॉड है 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड केवल पैकेट फटाफट निकालो। सीरीज में रॉड है, दोनों में हीट करंट सेम होगी, हीट करंट हो जाता है डेल्टा टी बाई आर हो जाता है, आया किसी का आंसर? आया किसी का? आंसर दो। ओके जीवांशी, वेरी गुड, बहुत सही। बाकी लोग भी तो आंसर, दुर्गा तुमने कुछ उल्टा किया है उसमें, देखो तुम्हारा मेथड मुझे लगता है सही होगा लेकिन तुमने लिखने में कुछ गलती की है, ठीक है रचित। बाकी लोग भी तो आंसर, लूसी आंसर दो, सबको तो आंसर। जेसिका कहाँ है? जेसिका की फिर तबीयत खराब हो गई है क्या? देखो यहां से कितना हीट फ्लो करेगा, 100 माइनस 70 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एल बाय के वन इंटू ए, यहां कितना होगा 70 माइनस 0 एल के टू इंटू ए, क्या हो जाएगा 30
एल के वन में ऊपर चला गया, 70 के टू में ऊपर चला गया, सेवन बच्चे आंसर। क्या क्लैरिटी मिली सबको, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैडल के लिए, और इसका आंसर सबका आना चाहिए। ऐसे रॉड है, ठीक है, ये दोनों किस में हो गई, पैडल में हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि इसका है 6K और इसका है 4K, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, L है। तो बताओ इसके लिए पहला सवाल ये है कि इक्विवेलेंट के ई क्या होगा, इसका एरिया A दिया गया, इसका भी एरिया क्या दिया गया, A दिया गया, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये दो चीजें निकालनी अपने को। जरा फॉर्मूला देख सकते हो पीछे से, K1 A1 प्लस K2 A2, फटाफट सॉल्व करो इसको। और उससे आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ऐसे लल्लू लल्लू सवाल सब, इससे कुछ खास दम नहीं सवालों में। आया ओके सही है, 4K into A, आएगा ना, देखो तो यहाँ पे A प्लस ही आएगा, 2 हो जाएगा, तो A कट जाएगा, बचेगा 5, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा अपना L बाय 5K, इक्विवेलेंट के इनटू एरिया कितना, 2 है ना, जब देखो एरिया तो 2 हो गया ना, इक्विवेलेंट एरिया तो L बाय 10K। सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा कोई बात अच्छी नहीं है इसमें।
आगे बढ़ते हैं। एक सम लास्ट कर लो। ये ऐसे करके रॉड है, ठीक है। इसके लिए हमको बोला गया है कि यहाँ का टेम्परेचर बोला गया लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का बोल दिया कि 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तीनों रॉड की लेंथ एल 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 और कांस्टेंट है सबके लिए के के के, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? फटाफट बताओ। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, एक तीन रॉड वाला कर लेते हैं। हालांकि बिल्कुल से यही सवाल जो ना रिपीट होंगे जब तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे। तो इस पे क्या कंसेप्ट क्या है देखो, इसमें यहां से हीट आएगी, ठीक है, ये लो टेम्परेचर पे। ऑब्वियस बात है टी की जो वैल्यू है ना समवेयर कुछ अलग होगी यहाँ पे। एक काम करो, इसको भी 100 ही ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सवाल में 100 ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से हीट आएगी, यहां से भी हीट आएगी, यहां पे हीट जाएगी, बिकॉज ये लो है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा तो बीच पे आना चाहिए ना। यहाँ से हीट आएगी और यहाँ से पूरी की पूरी हीट चली जाएगी। यहाँ से जो हीट आएगी H1 H2, यहाँ से जाएगी H1 प्लस H2, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस H1 प्लस H2 बट इज H1 ये 100 माइनस P के इंटू एल बाय ए प्लस 100 माइनस T बाय के एल इंटू ए और टी माइनस जीरो, ठीक है, ऐसे जाएगा सबसे। ये तो के एल बाय तो कट जाएगा, है ना, सबके लिए के सब बराबर ही है। तो हम क्या ले सकते हैं, 100 माइनस T T, तो ये इधर जाएगा तो 200 इक्वल्स टू 3T हो जाएगा। हाँ सर, फिर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि याद रखना कोई भी पॉइंट पे जाकर के स्टेडी स्टेट में कहीं भी जाके हीट की हीट जमा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको फटाफट सबको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। अभी जो जो बेसिक लेक्चर है ना, ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, ये
ठीक है, मेनली यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन के बारे में सबको बेसिकली पता है, इट इज हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ऐसे बॉडी होती है, ऐसे वेव निकलती है, ठीक है। सूरज से कैसे निकलती है हीट एनर्जी, ठीक है। तो उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखना कि यहाँ पर सबसे पहले तो लोग पढ़ेंगे थ्योरी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। तो मान लो अगर पहले क्या लोग सोचते थे, जैसे कोई गर्म बॉडी है, ठीक है, हॉट एकदम, तो ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। कोई कोल्ड बॉडी है और जब एमिट करेगा तो ठंडा हो जाएगा, कोई कोल्ड बॉडी है तो रेडिएशन लेगा वो, तो गर्म हो जाएगा। लेकिन पहले बोलता था ना ये एक ही तरफा खेल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बाद में पता चला कि नहीं, ये एक तरफा खेल नहीं होता, ये दो तरफा खेल होता है, ठीक है। एक हाथ ले और एक हाथ दे, एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है। वो गाना सुना ना, एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जैसे हॉट बॉडी है ना, तो वो एमिट करता है रेडिएशन ज्यादा 100 और लेता है कम, लेता है 80। तो अगर सॉरी हॉट बॉडी है ना, तो वो एमिट करेगा कम लेगा ज्यादा, देगा ज्यादा लेगा कम, बराबर है। देगा मान लो अगर 100 ना, तो लेगा 80। तो नेट कितना गेन किया या नेट कितना लूज किया इसने, ठीक है। नेट लूज किया 100 - 80, दैट इज 20। नेट लूज करने की वजह से क्या होता है, ये बॉडी जो होता है, जो गर्म होता है, ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हॉट बॉडी के साथ क्या होता है, याद रखना, प्रीवोस्ट थ्योरी ये कहता है कि बोथ थ्योरी सेज बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हाउएवर, ठीक है, लेकिन गर्म बॉडी में क्या होता है, यहां पर होता दोनों में है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो एमिशन होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन से बड़ा होता है। और जो कोल्ड बॉडी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी रेडिएशन एमिट करेगा, वो भी क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, लेकिन लेगा ज्यादा, लेगा कितना, 100 आएगा तो 80 फेंकेगा, 100 इन हो रहा है, 80 आउट हो रहा है। नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा 20 इन होगा। नेट इन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ठंडा बॉडी जो होता है समय के साथ गर्म होने लगता है, ठीक है, है ना। गर्म बॉडी को तुमने रख दिया रूम में, तो हम देखते हैं ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा फेंकता है, भाई ले लो, ठीक है। अगर तुम कोई चीज देते चले जाओगे तो मतलब कि तुम कोई चीज दे रहे हो तो तुम्हारे पास उसी की कमी होगी। यहाँ पे हॉट बॉडी हीट दे रहा है, तो उस पर हीट की कमी हो रही है, तो ठंडा होगा, ठीक है। सो हॉट बॉडी एमिट्स मोर हीट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोल्ड बॉडी ना, तो कोल्ड बॉडी में क्या होता है, जो एमिशन होता है ना, इज लेस देन एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब कोल्ड बॉडी को रख दिया, दे दो हीट लेता चला जाएगा, ठीक है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट समेटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो गर्म होगा, ठीक है। तो इन दिस केस एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। चाय का प्याला क्या होता है, वो एमिट ज्यादा करता है, लेकिन वही क्यूब जो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी, ठीक है, रूम टेम्परेचर। इसको फटाफट नोट कर दो।
सबको अब अभी ये जो चैप्टर जो है ना ये बहुत बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। ठीक हम लोग ना सबसे पहले तो पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, पूरी थ्योरी से बड़े भरा हुआ चैप्टर ही है। सबसे पहला रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस, एंड ट्रांसमिटेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में प्यार से बोलेंगे रैट। ठीक है, RAT। कोई भी अगर रेडिएशन किसी भी सरफेस पे गिरती है तो उस रेडिएशन के हो सक उसकी किस्मत में तीन चीजें हो सकती है। या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि मान लो हमने ऐसे भेजा रेडिएशन को, वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, नहीं तो वो क्या होगा अंदर वो एंटर कर सकता है। ठीक है, और नहीं तो क्या हो सकता है वो अंदर, मतलब वो हो गया जैसे मान लो ग्लास है सरफेस, ठीक है, तो वो आर पार होकर निकल सकता है, नहीं तो वो थोड़ा बहुत क्या होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम कभी देखो अगर तुम्हारे रूम में कभी ग्लास पैन हो उस पर जब लाइट गिरती है ना तो हमें कितनी बार अपना चेहरा दिखता है उस ग्लास पैन में, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, हमको आर पार दिखता है क्योंकि तो वहां पे क्या हो रही है वो ट्रांसमिटेंस हो रहा है ना। अगर बाहर की लाइट अगर अंदर आ जाएगी तो हमें क्या, हमें बाहर की चीजें दिखेगी तो वो ट्रांसमिटेंस हो गया, हमें अपना चेहरा दिख रहा है मतलब लाइट कोई ऐसी आ रही होगी। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास ही आ रही है। ठीक है, हमारे चेहरे से लाइट जाती है लौट करके आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा। और थोड़ी सी लाइट जो होती है वो ग्लास भी एब्जॉर्ब कर लेता है, पता नहीं चलता अपने को, बहुत कम लाइट होती है जिससे कि ग्लास का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जो एनर्जी आएगी उसमें से थोड़ी आर पार निकल जाएगी, ठीक है, थोड़ी उसमें से रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी, ठीक है, और थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि हमको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमको दिखता है रिफ्लेक्ट हुआ, हम यहाँ बैठेंगे हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा क्यों, बिकॉज ट्रांसमिट हुआ, और थोड़ा सा ग्लास का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो दिस इज द थ्री फेज। ठीक है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अगर ये एनर्जी मान लो Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q, मतलब टोटल एनर्जी रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द वेव। ठीक है, जो चीज लाइट के साथ होती है सेम चीज वो होती है हीट एनर्जी के साथ भी होती है, बेसिकली दोनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर भी होनी चाहिए। ठीक है, और हमने क्या किया ये टोटल एनर्जी तीनों के इक्वल हो जाएगी, हमने क्या किया सबको क्यू से डिवाइड कर दिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा वन के। ठीक है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज रिफ्लेक्टेंस, मतलब 100 जूल एनर्जी आई रिफ्लेक्ट की है मान लो 40 जूल, 40/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन होता है ना इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं एब्जॉर्बेंस, द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब, और ये क्या होगा ट्रांसमिटेंस, द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, नोट कर लो रिफ्लेक्टेंस, द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्टेड is called as reflectance, the fraction of the energy absorbed is called as absorptance, the fraction of the energy transmitted is called as transmittance. इनका सिंबल हो जाएगा R plus A plus T equal to 1. R से reflectance का सिंबल हो गया, A absorptance का सिंबल हो गया, T transmittance का सिंबल हो गया। ठीक है, ऐसा जैसे मान लो प्लेन मिरर है तो वो लाइट को आर पार जाने देता ही नहीं है। ठीक है, या तो रिफ्लेक्ट कर देगा नहीं तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अगर मान लो प्लेन भी जा रहा है उसके लिए टी जीरो हो जाएगा, आर प्लस ए इक्वल टू वन। मान लो ना ना क्या कहते हैं कोई बॉडी है जो भी लाइट गिरेगी सब अपने अंदर समेट के रख लेता है। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर की जो बॉडीज होती है, ठीक है, जितनी भी लाइट फेंकोगे ना ब्लैक कलर, क्यों ब्लैक कलर अपीयर करता है क्योंकि हमको उसमें से लाइट कोई आती नहीं है,
ठीक है, तो सब एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, उसमें ना रिफ्लेक्शन होता है ना ट्रांसमिटेंस होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देता हूँ, इफ पी इक्वल टू जीरो इन प्लेन मिरर, हम क्या बोल सकते हैं आर प्लस ए इक्वल टू 1। और दूसरा मैं लिख सकता हूँ पॉइंट फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्यों ब्लैक होती है, क्योंकि वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करती ना, लाइट गिराई हमने उसके ऊपर ना, आर पार होने देगी वो, तो आर और टी क्या हो जाता, बन हो जाता, तो एब्जॉर्प्टेंस क्या हो जाता उसके लिए, बन हो जाता। आई बात सबको समझ में? ठीक है, चलो मैं अभी क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है, हम लोग कल क्लास करेंगे 12 बजे, ठीक है, तो मैं फिर ये चैप्टर जो है ना कल पूरा का पूरा नक्की कर दूंगा मैं, क्योंकि तो बाकी बच्चे को ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं सबकी जरा खबर लेता हूँ पहले एक बार, नहीं ज्वाइन, ठीक है। अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अपने मॉड्यूल से ना करना, कोशिश करना स्टार्ट कर देना, तुमको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं वीडियो एक